हेलो माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण से घटकों का विश्लेषण करें। कैसे हम मिश्रण से घटकों को अलग करेंगे? ध्यान दीजिए, मिश्रण से घटकों को अलग करने की कई विधियां हैं। इसमें से हम चार विधि को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे रंग वाले घटक को नीले और काले रंग की स्याही से कैसे अलग करें। दूसरा पढ़ेंगे दूध से क्रीम को कैसे अलग करें। दो अघुलनशील द्रव्यों को कैसे अलग करें। नमक और कपूर रंगीन चाय को कैसे अलग करें। चलिए, हमारा पहला टॉपिक आज का है कि रंग वाले घटक नीले और काले रंग की स्याही को कैसे अलग करें। करना क्या है, एक छानक पत्रक ले लीजिए, एक छानक पत्रक ले लीजिए, इसे तीन से सॉरी आगे चलेगा। चलिए, करना क्या है, आधा बीकर पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, आधा बीकर पानी। चित्र में देखिए बीकर है, बीकर में वाच ग्लास रखा है, वाच ग्लास पर स्याही की बूंदे डाल दीजिए। वाच बीकर है, बीकर गर्म कर रहे हैं, इसको वाच ग्लास है, वाच ग्लास पर स्याही की बूंदे डाल दीजिए। अब बीकर को गर्म कीजिए, बीकर है, बीकर ऊपर से प्लेट है, प्लेट ऊपर स्याही, प्लेट की स्याही है। अब हम स्याही क्या करेंगे, गर्म करेंगे, बीकर गर्म कीजिए। हम स्याही बनाए नहीं करेंगे, बीकर गर्म करेंगे। बीकर गर्म होगा तो इसके भाप से स्याही भी क्या होगी, गर्म होगी। समझ में आया, बीकर गर्म होगा और बीकर से क्या होगा, स्याही भी गर्म होगी। अब देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके प्रभाव में पहले ये गर्म होगा पानी वाला, फिर ये गर्म होगा, इससे वाष्पीकरण होगा। अब देखिए धीरे धीरे वाष्पीकरण हम जारी रखते हैं, गर्म करते रहते हैं। जब हम पांच ग्लास परिवर्तन नहीं दिखता है तब उसे गर्म करना बंद कर दें, यानी जब तक परिवर्तन होगा तब तक उसे गर्म करें। हम इसे ध्यान से देखें, ध्यान देखने क्या होता है, आपके विचार से बात से इसका वाष्पीकरण हो, क्या बात विचार से कोई अवसर बचता है, आप क्या प्रतिपादन करते हैं कि क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है। हम पाते हैं स्याही रंग में रंग का एक मिश्रण है। देखेंगे आप कि स्याही में से क्या अलग होगा, पानी अलग हुआ है, यानी कि जब स्याही गर्म किया तो पानी अलग हो गया और स्याही बच गई। इसका मतलब क्या है कि स्याही और पानी का मिश्रण है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। अब आप कहते हैं दूध से क्रीम कैसे अलग करेंगे, आप देखते गांव में दूध से दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, इत्यादि प्रोसेस क्या करते हैं, अपनाते हैं। चलिए, आजकल हम बाजार में देख रहे हैं कि क्रीम टोंड, डबल टोंड, दूध पोली, टेट्रा पैक आदि पाते हैं। देखिए आप देखते हो दूध के पैकेट पे टोंड लिखा होता है, टोंड, डबल टोंड, क्रीम, ये सब लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या कीजिए, एक पैक यानी में थोड़ी या संपूर्ण मात्रा में क्रीम ले लीजिए, पैक यानी में क्रीम ले लीजिए। आपके अतिरिक्त यंत्र ले लीजिए, दो मिनट तक आप केंद्रित करें। अगर स्कूल में उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप रसोई घर में होने मथनी से कर सकते हैं। मथनी होती है ना, मथनी, मथनी से मथते हैं तो आप देखते होंगे क्रीम क्या होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। अब देखिए कि यदि नजदीक में कोई उनकी डेयरी है तो वहां जाके पूछिए कि वो दूध में से क्रीम को कैसे अलग करते हैं। आप देखते हैं गांव में मथते हैं तो छाछ वगैरह अलग हो जाती है, दही को बना लिया जाता है, उसको मथने के बाद छाछ बना लेते हैं, आप देखते होंगे। तो चलिए, दूध के मथने पर हमने क्या देखा, दूध के मथने पर हम देखते हैं उसमें से कुछ मोटे मोटे पदार्थ अलग हो जाते हैं। कभी कभी कण और ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानक पत्रक से बाहर निकल जाते हैं, इनको हम छानने की विधि से अलग नहीं कर पाते। ऐसे मिश्रण को आप केंद्रण विधि से अलग करते हैं, जैसे दूध से क्रीम, दूध से क्रीम को अलग करने की क्या विधि है, आप केंद्रण विधि, याद कीजिएगा इसको। आप केंद्रण विधि क्या है, कभी कभी क्या होता है, द्रव्य ऐसे ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो हम छान कर अलग नहीं कर सकते, उन्हें आप केंद्रण विधि से जैसे मकानी जमा करते करते हैं। चलिए, इसका यूज क्या है, आप केंद्र विधि का उपयोग कर ध्यान दीजिए, जांच में मल सॉरी रक्त और मूत्र की जांच, जहां तक ब्लड टेस्टिंग होता है, मूत्र की टेस्टिंग होती है, उसमें आप केंद्र विधि का उपयोग होता है। दूसरा, डेयरी या घर में क्रीम मक्खन निकालने के लिए केंद्र विधि का होता है। तीसरा, कपड़ा धोने की मशीन, भिगोए कपड़ों से जल निचोड़
मशीन में जन्म छोड़ने के लिए भी अपेंडर विधि का उपयोग होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं और अघुलनशील द्रव्य को कैसे आ जाता है। अघुलनशील द्रव्य यानी तेल और पानी। तेल आप पानी में तेल की बूंदी डाल दीजिए तो आप देखेंगे तेल पानी में मिलेगा नहीं, जबकि पानी में तेल क्या रहेगा, तैरता रहेगा। उसको कैसे अलग करते हैं, ध्यान दीजिए। एक कीप ले लीजिए, उसमें मिट्टी का तेल ले लीजिए और जल ले लीजिए। कि कीप है, मिट्टी का तेल है और जल है। तो मिट्टी के तेल और जल को पृथ्वीकरण कीप में डालिए। पृथ्वीकरण कीप है, देखिए यहाँ पे मिट्टी का तेल है, यहाँ जल है। जैसे इसके डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो जल है उसका जो भाग होगा वो नीचे होगा और मिट्टी का तेल नीचे ऊपर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं बताता हूँ आगे। कुछ देर बाद आप मिट्टी और पानी को मिला के छोड़ देते हैं, ऐसी फर्क दिखाई देगी। पानी अलग दिखाई देगा और मिट्टी का तेल आपको अलग दिखाई देगा, आप चित्र में देख सकते हैं। अब पृथ्वीकरण की इस ट्रक को खोला, सावधानी पूर्वक जल्दी परत को निकाल दें। अब इस कीप को क्या करते हैं, खोल दीजिए, पानी को बाहर कर लीजिए। अब बाद में क्या कर लीजिए, जब तेल आ जाएगा उसको बंद कर दीजिए, यानी पानी अलग हो गया और तेल अलग हो गया। तो इसलिए ये किस विधि का उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर घनत्व के सिद्धांत का प्रयोग होता है। इसके सिद्धांत का घनत्व के सिद्धांत का देखिए, किस सिद्धांत का, घनत्व के सिद्धांत का। क्यों पानी ऊपर केरोसिन आ गया, क्योंकि पानी का घनत्व ज्यादा है और केरोसिन का घनत्व कम है, इसलिए पानी ऊपर केरोसिन आ गया। तो इस घनत्व के सिद्धांत से, घनत्व की विधि से हम दो अघुलनशील द्रव्यों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखिए पहले वास्तविकरण, दूसरा प्रयोग, इसको घनत्व सिद्धांत ध्यान दीजिए। अब इसका अनुप्रयोग क्या है, तो अनुप्रयोग है कि तेल अथवा अन्य घुलनशील द्रव्य को अलग करने के लिए धातु शोधन में लोहे से लोहे को शुद्ध करने के लिए जो ऊपर स्लैब आ जाता है उसको दूर करेगा, दस मीटर तक पड़ेगा। अब बात करते हैं नमक और कपूर। देखिए उर्ध पाचन विधि क्या है, उर्ध पाचन विधि ध्यान दीजिए, आप इसको लिख लीजिए। नमक और कपूर को कैसे पढ़ेंगे, आपने उर्ध पाचन के बारे में पढ़ा था कि जब किसी ठोस का द्रव में परिवर्तन होने बिना सीधे गैस में रूपांतरण हो जाता है तो उसे हम उर्ध पाचन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्ध पाचन प्रक्रिया कहते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ का सीधे द्रव में परिवर्तन के बिना ही गैस में रूपांतरण हो जाता है उसे हम उर्ध पाचन प्रक्रिया कहते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, चलिए कैसे अलग करेंगे। तो आप क्या कीजिए, ऐसा एक सिस्टम ले लीजिए, देखिए उत्पादित होने वाले पदार्थ कौन कौन से है, ध्यान दीजिए कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, इसके अलावा एंथ्रासीन और मेथियलीन, ये सब क्या है, उत्पादित होने वाले पदार्थ है। सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए उसे हम उर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए कैसे अलग करेंगे, ध्यान दीजिए आप चित्र में देख लीजिए। यहाँ पर आप कपूर और नमक को अलग किया जा रहा है, देखिए रूई का अंदर गैस मिट्टी की रखी हुई है, कोसी कपूर है, देखिए कपूर है, चीनी मिट्टी का एक प्याला रखा हुआ है, कपूर की बांस को देख लीजिए, कपूर और नमक का मिश्रण ही रहा। जैसे आप गर्म करोगे तो नमक नीचे रह जाएगी और कपूर चल जाएगा, धीरे 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 बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से हम कपूर और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए पूर्ण पाचन विधि का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए रक्त वाले घटकों को अलग करने के लिए वाष्पीकरण पद्धति, दूर से क्रीम अलग करने के लिए आपके इंद्र विधि या सेंट्रीफ्यूगेशन विधि, दो अघुलनशील द्रव्य को अलग करने के लिए घनत्व का सिद्धांत और नमक से कपूर अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना चार ही स्टूडेंट, अब अगले वीडियो में हम अगले चार के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।